हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप एक 250 वाट की एम्पलीफायर देख रहे हैं, जो हमारी आहूजा कंपनी की एम्पलीफायर है। तो ये जो है एम्पलीफायर बहुत पुराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम क्या है। तो जब यहाँ पे मेरे पास एम्पलीफायर आया था, तो ये जो है पूरी तरह से डेड था। इसमें ना ही यहाँ पे लाइट आ रहा था और ना ही यहाँ पे जो है कोई भी LED यहाँ पे ग्लो कर रहा था। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे जो रेक्टिफायर है इसका डेड था। यहाँ पे जो है ना ही ये AC करंट ले रहा था और ना ही यहाँ पे DC करंट आउट कर रहा था। तो यहाँ पे जो है हमने रेक्टिफायर जो है दूसरा लगा दिया। तो दूसरा लगाने के बाद यहाँ पे जो है ये जो है अब शॉर्ट बता रहा है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है एम्पलीफायर में, जब यहाँ पे जो है रेक्टिफायर चेंज करने के बाद शॉर्ट बताए, तो हमें जो है क्या क्या चेक करना है और कैसे यहाँ पे हमें रिपेयर करना है, चलिए आज इस वीडियो में वही आपको हम बताएंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाले वीडियो आपको जल्द मिले। और वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो है रेक्टिफायर ही चेक करना है। जब आपकी एम्पलीफायर शॉर्ट हो या फिर पूरी तरह से डेड कंडीशन में बताए, तो यहाँ पर आपको पहले रेक्टिफायर और फ्यूज और यहाँ पर जो है वोल्टेज चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो है एम्पलीफायर शॉर्ट बता रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी जो है एम्पलीफायर इस तरह से अगर शॉर्ट बता रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट में इसे लाकर लाइन देंगे, तो यहाँ पे जो है ये जो है रिसेट MCB जो है बाहर कर देगा। तो इस कंडीशन में अगर आप जो है इसे डायरेक्ट में लाइन देंगे, तो आपकी एम्पलीफायर जो है और भी यहाँ पे डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इस कंडीशन में जो है आपको एम्पलीफायर को जो है डायरेक्ट में नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफायर जो है पूरी तरह से शॉर्ट है। यहाँ पे जो है प्रिंट जो है एक कट गया है, जिसके कारण अभी जो है यहाँ पे शॉर्ट नहीं बता रहा है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट में मैंने लगाया था, तो यहाँ पे ये जो है ये प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको जो है डायरेक्ट में नहीं लगाना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले जो है हमें क्या क्या चेक करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें वोल्ट चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है अभी एम्पलीफायर जो है शॉर्ट नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंट जो है कट चुका है, जिसके कारण यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। और यहाँ पे पहला तो सबसे पहले जो है अगर लाइन एम्पलीफायर में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है फ्यूज चेक करना है और यहाँ पे हमें AC वोल्ट चेक करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो है AC वोल्ट लो AC वोल्ट यहाँ पे चेक करना है, जो हमारी 30 वोल्ट रहती है यहाँ पे चेक करना है। दोनों वायर पे ट्रांसफार्मर जो हमारा आउट करके देता है रेक्टिफायर पे, वो हमें चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे DC जो है रेक्टिफायर बना के हो जाता है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये चेक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर DC वोल्ट यहाँ पे आउट कर रहा है, कैपेसिटर पे जा रहा है, और फिर भी यहाँ पे अगर लाइट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो फ्यूज है ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है लाइन नहीं आने के भी कारण यहाँ पे आपको हम बता दिए। तो यहाँ पे जो है जब इस तरह की प्रॉब्लम आए, तो आप जो है यहाँ पे सबसे पहले ये फ्यूज और यहाँ पे कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करना है और रेक्टिफायर चेक करना है। यहाँ पे जो है रेक्टिफायर शॉर्ट हो, उससे पहले यहाँ पे रेक्टिफायर चेंज कर लेना है, आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है, तो चलिए यहाँ पे आगे आपको हम बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चेक करना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है ट्रांजिस्टर चेक करना है दोनों साइड की, ठीक है। दोनों साइड की यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक करना है। ट्रांजिस्टर किस तरह से चेक करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। और ड्राइवर बोर्ड भी चेक करना है। जब अगर यहाँ पे ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो जाए, तो आपको जो है ड्राइवर बोर्ड जो है खोल के जरूर यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आपकी जो है डायोड और यहाँ पे जो है 3055 जो हमारा बेल का ट्रांजिस्टर होता है, या फिर कोई और कंपनी का, तो यहाँ पे जो है ये चेक करना है। ये हमारा ड्राइव ट्रांजिस्टर होता है, जो हमारी ट्रांजिस्टर पर जो हमारा ड्राइव वोल्ट बना के देता है ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए, तो ये हमें चेक करना है। और यहाँ पे जो है अगर एम्पलीफायर अगर बार बार ख़राब हो रहा है उसकी ट्रांजिस्टर, तो आप यहाँ पे जो है 7818 यहाँ पे आप जरूर चेक करें। यहाँ पे जो है ये आपको जो है ज़रूर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफायर जो है ड्राइव वोल्ट ज़्यादा देने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है आपकी 7818 यहाँ पर डेड रहता है और यहाँ पर आपकी जो है ड्राइव वोल्ट ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पर एम्पलीफायर जो है बार बार ख़राब होगा। तो ये जो है आपको ज़रूर चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हम ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम ड्राइव वोल्ट को यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर को हमें किस तरह से चेक करना है, तो ये ट्रांजिस्टर जो हमारा 3773 होता है, NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो ऊपर वाला जो पिन है यहाँ पे, जो पतली वायर लगी होती है, ये हमारा बेस पिन हो जाता है। और जो हमारा रेजिस्टेंस पे जाता है, ये 39 या E25 जो रेजिस्टेंस रहता है 5 वाट में, उस पर हमें जो है E मीटर वायर लगा हुआ होता है।
और जो हमारा कलेक्टर होता है, जो इसकी बॉडी होती है, वो हमारा कलेक्टर पिन होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है एक नट बोल्ट से यहाँ पे टाइट किया गया है 3055। और यहाँ पे जो है जो भी इस तरह की ट्रांजिस्टर होती है उसकी जो है कलेक्टर पिन जो है हमारा यही होता है। ये यहाँ पे आपको हम ट्रांजिस्टर चेक करके बताते हैं, बेस्ट टू कलेक्टर और बेस्ट टू इमीटर। तो यहाँ पे जो है अभी ये जो है शॉर्ट बता रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है अभी शॉर्ट बता रहा है, पर इसकी कंटिन्यूटी है यहाँ पे जो है घट रही है। तो इस तरह से अगर बताए तो हमें जो है क्या करना है, अभी जो है ये प्लस में जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है कंटिन्यू इसका जो है बजर बजना बंद हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इसकी ओम्स जो है यहाँ पे उठ रही है। तो इस तरह से जो है हमें मालूम नहीं पड़ेगा इसकी ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे सही है या ख़राब है, ठीक है। तो हमें क्या करना है चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे जो है हमें बेस या इमीटर वाला वायर जो है यहाँ पे खोल लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम सभी का जो है बेस और इमीटर वाला जो है वायर खोल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो उस तरह से जो है आपको प्रॉपर मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है। तो आपको जो है दोनों वायर यहाँ पे निकाल कर चेक करेंगे तो आपको जो है आसानी होगी, और जल्दी यहाँ पे जो है आपका चेक भी हो जाएगा और कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा। ये सभी का इमीटर वायर जो है हमने खोल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं बेस्ट टू कलेक्टर और बेस्ट टू इमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांजिस्टर जो है सही लगभग में बता रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो है सही बता रहा है। इसकी कलेक्टर पर चेक करते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट टू कलेक्टर यहाँ पे जो है शॉर्ट बता रहा है, पर यहाँ पे जो है फिर से जो है ओके बता रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है एक ट्रांजिस्टर पे से जो है हम जो बेस पिन है उस पे से भी हम यहाँ पे वायर जो है अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें अच्छी तरह से कंफर्म हो जाना है ये जो है ट्रांजिस्टर हमारा सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो है कलेक्टर और बेस यहाँ पे अगर एक हो जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए यहाँ पे ये तो सही बता रहा है, तो लगभग में यहाँ पे जो है हमारा ट्रांजिस्टर जैसे 3773 ये सही है इस साइड की। अभी एम्पलीफायर में जो सभी तरह की प्रॉब्लम आएगी और आपको जो है रिपेयर करना है, तो यहाँ पे जो है आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है, इस ट्रांजिस्टर जो है इस साइड का जो है ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे इस साइड का ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल सही है। तो दूसरा साइड भी हम इसी तरह से चेक कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम ड्राइवर बोर्ड पे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने दोनों साइड की यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक कर लिए। तो यहाँ पे जो है चेक करने के बाद मालूम पड़ा दोनों साइड की जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल सही है, हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ ड्राइवर बोर्ड से प्रॉब्लम है। तो हम जो है इस वायर को लगे हुए भी चेक कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है आपको बताना था हमें जो है जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें ट्रांजिस्टर को किस तरह से चेक करना है और किस तरह से कंफर्म होना है कि हमें कहाँ से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये ड्राइवर बोर्ड से प्रॉब्लम है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है हमें क्या क्या चेक करना है चलिए आपको हम बताते हैं। तो और यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है ये जो है हिल डुल रहा है, तो इसे जो है हमें टाइट कर लेना है। कोई भी ड्राइवर बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट्स अगर जो है डैमेज है तो उसे आपको चेंज कर लेना है, और अगर वीक है तो उसे जो है नया लगा देना है। चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो है दोनों डायोड चेक करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो एम्पलीफायर जो है ख़राब हुआ है ये हाई वोल्टेज के कारण मतलब ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वोल्ट जो है ज़्यादा होगी जिसके कारण यहाँ पे ये एम्पलीफायर जो है शॉर्ट हुआ है। तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर और यहाँ पे जो है ये जो हमारा दोनों साइड का ट्रांजिस्टर था ये ख़राब नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो है हमारा रेक्टिफायर और यहाँ पे ये दो डायोड यहाँ पे जो है जला हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ यही लगभग में लगता है ख़राब हुआ है। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों डायोड को बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, और यहाँ पे 7818 वोल्ट हम चेक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ड्राइव बोर्ड भी चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे जो ये दोनों डायोड जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है जो पिन यहाँ पे जो है ब्रेक हुआ है ये डायोड वाला ही पिन है, तो यहाँ पे ये डायोड शॉर्ट था जिसके कारण यहाँ पे जो प्रिंट है ये जो है कट गया है। तो चलिए यहाँ पे इस डायोड को जो है हम निकाल लेते हैं, हमने डायोड को निकाल लिया है। तो चलिए यहाँ पे 3055 ट्रांजिस्टर जो हमें चेक कर लेना है, बेस्ट टू कलेक्टर और बेस्ट टू इमीटर। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो है सही बता रहा है, और यहाँ पे जो है कुछ ओम्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लगभग में जो है हमारा जो पिन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लगभग में लगा होगा जिसके कारण यहाँ पे 138-40 यहाँ पे जो है ओम्स बता रहा है। तो इससे जो है हमें कलेक्टर और इमीटर भी हमें चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन दोनों पिन को हमें चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे शॉर्ट होगा तो उसके कारण भी यहाँ पे ये शॉर्ट बताएगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये जो है अब शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे जो है चलिए
डैड को जो है खुला ही रहने देते हैं, और यहाँ पे जो है एक जम्फर मार लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है जम्फर कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है इसमें जो है सप्लाई देकर हम चेक करते हैं, ये जो है एम्पलीफायर अभी शॉर्ट तो नहीं बता रहा है या कोई प्रॉब्लम और तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है शॉर्ट नहीं बता रहा है, और यहाँ पे जो है ये जो है लगभग में ओके है। तो चलिए यहाँ पे इसकी साउंड भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सही बजा तो समझिए आपका एम्पलीफायर जो है यहाँ पे रिपेयर हो गया। सिर्फ यहाँ पे हम डायोड लगाएंगे, ये एम्पलीफायर जो है चालू हो जाएगा। तो और यहाँ पे वोल्ट भी हमें चेक करना है, तो यहाँ पे वोल्ट हम चेक करके आपको हम बता देते हैं कौन कौन सा यहाँ पे वोल्ट चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एम्पलीफायर को हम चेक करके देख लेते हैं ये सही बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो अभी आपने देखा ये जो है बिल्कुल सही बज रहा है, और यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं है, और यहाँ पे जो है हमने इसका ड्राइव बोल्ट नहीं चेक किया है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको हम ड्राइव बोल्ट यहाँ पे डायोड लगा के और चेक करके आपको हम बता देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है हमारा 7818 इस पर भी हम बोल्ट चेक करके आपको हम बता देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो है 7818 लगा हुआ है। तो जो हमारी 1000 वाट की एम्पलीफायर होती है या 500 वाट की एम्पलीफायर आहूजा की, तो उसमें जो है यहाँ पे हो सकता है रेगुलेटर आईसी है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर भी लगा होता है, वोल्टेज यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर भी लगा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो हमारी यहाँ पे जो है वोल्टेज बना के जीनर डायोड लगा के उसकी ड्राइव वोल्ट बना के और यहाँ पे जो है ये वोल्टेज सप्लाई आउट कराता है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो है 7818 रेगुलेटर आईसी लगा है और ट्रांजिस्टर भी हो सकता है लगा होगा। तो यहाँ पे आपको जो है देख कर रिपेयर करना है, और यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है आपको 18 वोल्ट ही यहाँ पे मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो आपको जो है चेक कर लेना है कहाँ से इसकी फॉल्ट है, और ज़्यादा मिल रहा है तो आपको जो है यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर होगा तो यहाँ पे जीनर ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जीनर से ही यहाँ पे उसकी ट्रांजिस्टर की यहाँ पे जो है ड्राइव वोल्ट बनती है, और यहाँ पे ये वोल्टेज जो है आउट करता है ट्रांजिस्टर। इस तरह से जो है आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हम इतना एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे जो है क्या क्या चेक करना है और कहाँ से हमें जो है कौन सा फॉल्ट पकड़ना है, किस तरह से यहाँ पे हम चेक करना है, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ जो है वीडियो लेके आए थे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले इसे जो है हम यहाँ पर डायोड लगा लेते हैं, ड्राइव बोर्ड चेक करके बता देते हैं, और यहाँ पर जो है 7818 पे यहाँ पे हम रेगुलेटर आईसी जो है हमारा इस पर हम वोल्ट चेक करके आपको हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ड्राइव वोल्ट सबसे पहले मैंने रखता है और यहाँ पे 7818 वोल्ट यहाँ पे हमें मैंने रखता है। तो अब यहाँ पे जो है हमने डायोड लगा के और जो यहाँ पे कैपेसिटर जो है हमारा यहाँ पे हिल डोल रहा था, तो उसे हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है डायोड लगा लिया है। यहाँ पे जो है ड्राइव वोल्ट और 7818 यहाँ पे जो वोल्ट होता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो एम्पलीफायर को यहाँ पे ऑन कर लेना है, और यहाँ पे जो है हमें मीटर को जो है 20 वोल्ट के रेंज में रख लेना है या 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम वोल्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 20 वोल्ट के रेंज में रख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 28 वोल्ट यहाँ पे जो है 29 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी इनपुट पिन होगी, और इसकी आउटपुट पिन पर हम देखते हैं तो 17.9 वोल्ट, मतलब 18 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ज़्यादा मिलता तो यहाँ पे जो है हमें जो है ये जो रेगुलेटर आईसी है यहाँ पे चेंज करना पड़ता। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है एक दो दिन पहले यहाँ पे हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 7818 ही ट्रांजिस्टर है जो उस एम्पलीफायर में लगा हुआ था जो एलटेक एम्पलीफायर है। तो वो जो एम्पलीफायर है बार बार ख़राब हो रहा था, तो ये जो है उसका ट्रांजिस्टर जो है बार बार मतलब उड़ रहा था। उसकी रेगुलेटर आईसी चेक की तो मालूम पड़ा वहाँ पर जो है इसका रेगुलेटर आईसी ही ख़राब है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी हम वोल्ट चेक कर लेते हैं, ड्राइव वोल्ट। यहाँ पे तो वोल्ट हमारा प्रॉपर मिल रहा है 18 वोल्ट के आसपास, और यहाँ पे चलिए अब ड्राइव वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो ड्राइव वोल्ट भी यहाँ पे हमारा जो है प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा रेगुलेटर आईसी का वोल्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हमारा ड्राइव वोल्ट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है पीडी सेट जो है 100 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पे जो पीडी सेट है इसे आप हटा के 47 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है ये हमारा जो है बिल्कुल सही है, और यहाँ पे हम जो है इसे टाइट कर लेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपकी यहाँ पे जो है एम्पलीफायर आएगी 250 वाट या 1000 वाट,
कि आपको जो है किस तरह से रिपेयर करना है, किस तरह से कहाँ पे कौन सा बोल्ट चेक करना है, हमने आपको जो है अच्छी तरह से यहाँ पे बता दिया। और ट्रांजिस्टर को किस तरह से चेक करना है वो भी आपको हम अच्छी तरह से यहाँ पे बता दिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा मतलब ट्रांजिस्टर चेक करने का, तो आप जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आपको यह वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आपको जल्द मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई फोल्ड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।